आपके दो भाइयों ने किसी घर पे कब्जा कर लिया, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको जो पुलिस का मौका था, और उन्होंने कहा कि आप यानी दो, उन्होंने पता नहीं आपकी वालदा को साथ को बदकलामी की और कुछ हाथ वात उन्होंने मारा और कुछ उस तरह, तो वो दोनों बाहर थे, वो बाहर से मुल्क में आए, उन्होंने उन लोगों को कत्ल कर दिया। अच्छा, और उसके बाद वो पुलिस के लिए इश्तिहारी हो गए। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है? सर जो ये वाकया था वो कब्जा कोई नहीं उन्होंने किया था, इन लोगों ने हमारे घर के ऊपर कब्जा करवाया था उस टाइम। जिस टाइम ये कब्जा करवाया, ये दो भाभी और वालदा घर में थी, इनको उन्होंने 30 लोग हैं, जो बंदा ये था पुलिस का ही हायर किया हुआ जरीबाट नामी, उन्होंने आगे कहा जी क्या नाम लेते, आप बाहर आ जाओ घर से। ये घर से बाहर आ गए, देखें जो बात करते, दो भाई बाहर, बाहर तो कोई नहीं था, एक भाई था बाहर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो रहा है कोई बात नहीं, बच्चा है ना, बच्चा तो रोएगा, कोई आप प्रोग्राम की फिक्र ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से उसको डील करें। और जो बाहर था, जब ये बाहर से आया, ना कोई ऐसे मामला थे, वो जरीबाट नामी बंदे को चांद रात को किसी ने, मे भी किसी ने कत्ल किया, इन्होंने सलीम अख्तार बरता जो उन्होंने मैसेज फैला दिया कि जी चार पठान जो है वो लाहौर में दाखिल हो गए हैं मुझे मारने के लिए, और साथ ये कैप्टन लियाकत और असमैन शाह सचो, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली। सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद सर ये बेशुमार इन्होंने इस तरह की अजीब अजीब तरह की चीजें की कि क्या आपको बताएं, जो ये सदाकत थी बिल्कुल झूठ थी। वो तो हमारा ही घर था, हमारे घर के ऊपर हमने खुद थोड़ा कब्जा करना था, और उसी घर के, ये घर के इनके पास। अच्छा, आपने मुझे कहा कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के पास, तो वो तो बड़े धड़ल्ले के जज हैं, और क्रिमिनल लॉ को तो वो ही नोज इट लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, वो तो नहीं छोड़ेंगे इनको फिर। सर उन्होंने बहुत कोशिश की हमें इंसाफ भी दिलाने की, मेरा छोटा भाई है, 2 महीने इन्होंने 302 में छोटे भाई को अरेस्ट करके रखा, फिर उन्हीं की ऑर्डर से इंक्वायरी करवाई गई पुलिस वालों से कि 4 हफ्तों में इंक्वायरी कंप्लीट करके लेके आए, उन्हीं पुलिस वालों ने सर जिमनी बयानात में 302 में नाम डाला, और फिर वही पुलिस वाले जो है वो लेके आए कि जी नहीं ये बेकसूर है। ये तमाम जो हमारी जो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई, जो होम डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करवाई, तमाम इंक्वायरी जो है ना उन्हीं से करवाई गई, लेकिन जब इंक्वायरीज होके आई तो फिर जो है ना केस वहां से शिफ्ट होकर किसी और जज साहब के पास चला गया।